कर रही है, ये जितनी मछलियां हैं ना इनको देखकर समझ जाना इन्होंने जरूर किसी की निंदा करी होगी। कोई साधु सन्यासी ब्राह्मण जोगी संत महात्मा तपस्वी साधक उपासक मंदिर देवालय भगवान ईश्वर की कहीं ना कहीं इसने निंदा करी होगी तो मछली क्यों नहीं मिली। ये जितनी मछलियां होती हैं इनकी जो योनि है मछली का जो जन्म है यह केवल निंदा से उत्पन्न हुआ है। वैसे तुम तो नहीं मानोगे रे, क्योंकि तुम कभी निंदा करते ही नहीं हो भाई। कोई साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई कथाकार हो कोई वक्ता हो कोई भजनावली हो कोई कीर्तनी हो अपने को क्या करना है, तुम तो कोई निंदा करो नहीं तो तुम्हारे भी तुम्हारे लिए तो नहीं है, पर दिक्कत उसकी है ना, तेरा क्या होगा कालिया, दिक्कत तो उसकी है कि उसका क्या होगा, दिक्कत तो हमारी। और फिर शिव पुराण कह रही अगर कोई निंदा करे भी ना, जहां पर शंकर की कथा की निंदा हो, शिव की निंदा हो, शिव भक्त की निंदा हो, शंकर के मंदिर की निंदा हो, देवालय की निंदा हो, तो शास्त्र कहता है वहां से उठकर चले जाओ, सुनना नहीं है, सुनना नहीं है। क्योंकि आज के जमाने में अगर किसी को समझाओगे भी ना, तुम गलत बोल रहे हो, तुमने ये गलत कहा, तो तुरंत वो तुम्हारी खुपड़ियां खाना चालू कर देगा। आओ, तुम तो उसी के चेले हो, तुम तो उसी के साधक हो, तुरंत इसलिए नहीं कहे दूर।